हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो मैं आज बनाने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो के करीब दूध, 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 4 बड़े चम्मच चीनी। कस्टर्ड पाउडर आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए कुछ फ्रूट्स कटे हुए, जिसमें मैंने लिए हैं कीवी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो, पेर और एप्पल। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए थोड़े से हैं बादाम कटे हुए और काजू थोड़े से। तो फ्रूट्स आप कोई भी आपकी पसंद का ले सकते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और यहाँ पर दूध हम डाल लेंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम हम थोड़ा हाई कर देंगे दूध गर्म होने के लिए। जैसे ही दूध हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा, कस्टर्ड पाउडर का हम पेस्ट बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो अभी इस टाइम रमज़ान भी चल रहा है, आप बनाइए, फैमिली वालों को खिलाइए। तो दूध हमारा यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो हमें कुछ इस तरह से इसे चलाते रहना है। और दूध जैसे ही हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो हमने जो कस्टर्ड का पाउडर लिया था 2 बड़े चम्मच, उसका हमें पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, दूध हमारा गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे गुनगुने दूध से ही पेस्ट बनाऊँगी। आप चाहिए तो ठंडे दूध से भी बना सकते हैं, बट गुनगुने दूध से क्या होता है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ता है और इसका जो टेक्सचर बनता है वो बहुत ही स्मूथ आता है। तो यहाँ पे चलिए इसका पेस्ट हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध लेके और कुछ इस तरीके से बना लूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुनगुने दूध से हम बनाएंगे तो इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे दूध डाल के हमें तुरंत इसको मिलाते रहना है इस तरीके से, ताकि लम्स ना पड़े। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ 3 से 4 चम्मच का दूध यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। चलिए हम इस पेस्ट को अलग रख देते हैं और दूध को हमें यहाँ पे गैस पे 5 से 7 मिनट तक पकाना है। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है दूध को। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम जो है वो एकदम से लो रखना है और 2 से 3 मिनट के बाद हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे चीनी। तो चीनी डिजॉल्व हो जाने दें। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 2 से 3 चम्मच, आप चाहिए तो 4 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं चीनी। अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे चीनी को और ऐसे ही चलाते रहना है हमें। और टोटल हमें यहाँ पर पकाना है दूध को 5 से 7 मिनट तक कस्टर्ड पाउडर डालने से पहले। तो यहाँ पे दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब यहाँ पे हम डाल लेंगे कस्टर्ड का मिक्सर। तो आपको कुछ इस तरीके से डालना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस तरह से डालते रहेंगे वैसे वैसे हमें चलाते रहना है ताकि दूध में लम्स ना पड़े। देखिए इस तरीके से आप ऐसे चलाते रहेंगे तो जो कस्टर्ड का मिक्सर है ये दूध में एकदम से अब्सॉर्ब हो जाएगा और लम्स भी नहीं पड़ेंगे। तो देखिए ऐसे ही हमें चलाते रहना है और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पेस्ट है कस्टर्ड का मिक्सचर वो हम डाल लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ बचे हुए पेस्ट को पूरा, उसके बाद हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और हमें अच्छे से चलाते रहना है ताकि एक भी लम्स ना पड़े इसमें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर है वो नीचे जाके चिपक जाता है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इस तरीके से हमें चलाते रहना है ताकि कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो नीचे जाके चिपके ना। और फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे डाउट लगता है तो आप मेरी तरह मिक्सचर से भी आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डाउट था कहीं लम्स ना रह जाए इसलिए मैंने इससे मिक्स किया है। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से कर दिया है, तो यहाँ पे आप दूध में एक भी लम्स नहीं रह गया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू और थोड़े से डाल रही हूँ मैं बादाम। तो आप चाहिए तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी आप बना सकते हैं, या फिर इस ड्राई फ्रूट्स के जगह पे आप और भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसे भी हमें इस तरह से इसमें मिक्स कर लेना है और अब हमें इसे पकाना है 5 से 7 मिनट तक। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे लो ही रखना है। तो देखिए इस तरह से हमें पका लेना है, इस तरह से हमें चलाते रहना है। देखिए तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि कोई भी लम्स नहीं पड़ा हुआ है दूध में, तो इस तरह से चलाएंगे और किनारे को हम स्क्रैच करते रहें। तो यहाँ पे देखिए हमारा कस्टर्ड जो है पक चुका है कुछ इस तरीके से। तो हम इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, और अगर आपको और भी गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा और भी आप पका सकते हैं। इसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे डाल देंगे इस बर्तन में। तो मैंने यहाँ पे इसे डाल लिया है बाउल में।
अब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे कटे हुए सारे फ्रूट्स। तो ये सारे फ्रूट्स हम कटे हुए इसमें मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रूट्स मैंने एप्पल लिया है, बनाना लिया है, मैंगो लिया है, स्ट्रॉबेरी लिया है। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो वो सारे फ्रूट्स आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। और इसमें मैंगो भी मैंने ऐड किया है। तो अगर सीज़न नहीं है, विदाउट सीज़न आप बना रहे हैं, तो मैंगो आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल है, आप चाहिए तो ऐड कर सकते हैं या फिर इसे भी इसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें फ्रूट्स को डाल के और मिक्स कर लेना अच्छे से। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में 5 मिनट ठंडा होने के लिए। आप चाहिए तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, अगर ठंडा करके करेंगे तो बहुत ही यम्मी लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल ले रही हूँ एक बाउल में इस तरीके से। तो आप सभी ट्राई करिए, अभी ये रमज़ान का भी टाइम चल रहा है, तो बनाइए और आप भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ कटे हुए पीस थे मैंगो के, उससे मैं गार्निश कर ले रही हूँ, और थोड़े फ्रूट से ये स्ट्रॉबेरी और कीवी के। तो ये देखिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे गार्निश कर दिया है। तो देखिए लग रहा है ना एकदम यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी। तो जल्दी जल्दी बनाइए, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, बनाने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, बहुत जल्दी आप बना लेंगे इसे। आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।